में जिंजर है, ट्यूमरिक है, टर्मरिक है, कैना है, द सम स्टेम ग्रोथ अकर्स विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बर्ड, दिस राइजोम्स आर कॉल्ड द मोनोपोडियल राइजोम्स, लोटस कॉरटम। Some plants need a stem and a branch lie below the surface of soil to store food material. क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करने वाले होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह के स्टेम होते हैं। हेल्प इन द पेरिनिशियन दैट इज दे टाइड ओवर द अनफेवरेबल सीजन एंड अ मॉडिफाइड स्टेम आल्सो हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द एरियल शुड डाई बट द अंडरग्रो स्टेम सर्वाइव व्हिच गिव्स राइज टू न्यू एरियल शूट on the approach of next favorable season. अनियन का भी एक है, अनियन का भी एक आप अनियन का भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि अनियन में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, अनियन में क्या दिखाई दे रहा है। ट्यूबर आर एक्चुअली आर स्वेलन एंड एंड्स ऑफ स्पेशल अंडरग्राउंड, मतलब कहीं कहीं पर देखो आप, अभी तक हमने क्या देखा कि जो ब्रांच होती है रूट की, वहां पर मतलब एक तरह का फ्रूट डेवलपमेंट होता है, लेकिन अनियन एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूटिंग सिस्टम जो है ये अपना एक फ्रूट होता है, रूटिंग अनियन, और इससे नीचे होती है रूटिंग, इसके नीचे क्या होती है, रूटिंग होती है, लगती है, मतलब एक तरह का स्टेम ट्यूबर कहना चाहिए। होता क्या है, ट्यूबर आर एक्चुअली द स्वेलन एंड ऑफ स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, दे आर ओवल स्फेरिकल एंड अ कॉनिकल शेप, ट्यूबर हेल्प्स द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्ड्स रिप्रेजेंट नोड्स एंड स्पीसीज रिप्रेजेंट द इंटर नोड्स, द स्टार्च इन पोटेटो एंड इन्यूलिन इन अ एंटी चो देन बर्ड। In this system, short and disc-like have food material. The disc-like the stem remain covered by many thick, fleshy, overlapping, tunicated bulb, scaly bulb, scaly umbilical bulb, and a comb. देखो, जो प्याज का जो वो है, मतलब कि अनियन का जो हम लोग को एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जैसे गार्लिक हो गया, क्योंकि लहसुन भी एक तरह का क्या होता है, स्टेम बर्ड होता है, स्टेम ट्यूबर होता है, वो भी जमीन के नीचे होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसमें ट्यूनिकेट बल्ब इसलिए दिखा देता है कि इसकी जो सारे लेयर्स होते हैं, इसके जो लेयर्स आप दिख रहे हो ये वाली, इसमें देखो एक टर्मिनल बर्ड दिखा देता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है और फिर उसकी लेयर बाय लेयर होती है। अगर हम लहसुन का देखें या गार्लिक का देखें, तो गार्लिक का बहुत सारा फ्रूट होता है, एक फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट होते हैं, ये भी एक है। तो ट्यूनिकेट बल्ब द फ्लैशेस कैन लीव्स आउटसाइड रिमेन कवर्ड बाय थिन मेंबर्स एंड कवरिंग आउटर ड्राई कवरिंग इज कॉल्ड द ट्यूनिक। ट्यूनिक आपको प्याज का दिख रहा है, अनियन का दिख रहा है, एलएस ऑफ बल्ब, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको लिख लेना, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये, ट्यूनिकेटेड बल्ब का, एक बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है, जैसा बल्ब होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है, और बल्ब जो है वो मॉडिफाइड है। कॉर्न, कॉर्न जितने हम कांदे देखते हैं, जैसे लहसुन और जिमीकंद है, ये सब भी फॉर्म होती हैं मॉडिफाइड फ्रूट के सके, ये मॉडिफाइड स्टेम के सके, तो आप इसको भी देख लो एक बार, रीड आउट कर लो क्या क्या होता है। कॉर्न इज द शूट फ्लैशी थिकनेड अप ग्राउंड एंड स्टेम ग्रो द वर्टिकल डायरेक्शन। कभी
ये वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, कभी स्टैंड पोजीशन में रहेंगे, कभी ये बैकवर्ड पोजीशन पे रहेंगे, मतलब इनका फ्लोटिंग सिस्टम यहाँ रहेगा। कई लोगों का फ्लोटिंग सिस्टम यहाँ रहता है और उसके बाद सारे रूट्स रहते हैं, है ना। जैसे आप कांदे को देख लो, जिमी कंद, यहाँ पर फुट रहेगा, नीचे बहुत सारी जड़ें रहेंगी, बहुत सारे रूट दिखेंगे आपको। नेक्स्ट इज ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग पता है, ऐसा तो नहीं होता कि मैं एकदम फास्ट जा रही हूँ, समझ तो आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस फास्ट मैम। फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, ठीक है, नो मैम। चलिए। तो अब हम इन सभी चीजों की, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की ब्रांचिंग देखेंगे। होती कैसे है ब्रांचिंग? जैसे आप, अगर आप एक प्लांट को देखोगे ध्यान से, एनालाइज करोगे, तो उनकी ब्रांचिंग होती कैसे? फर्स्ट वाला देखो, ये वाला, इसमें देखो कि एक ब्रांच निकला है और उस ब्रांच से जो दूसरा ब्रांच है वो निकला है, देन फिर उस ब्रांच से तीसरा ब्रांच निकला है और फिर इस ब्रांच से फोर्थ ब्रांच निकला है। मतलब कि जिग-जैग पोजीशन वाले ब्रांचिंग होती है ना। नेक्स्ट देखो, एक ब्रांच निकला है, उसके बाद दूसरा ब्रांच निकला है, फिर उसके नीचे दूसरा ब्रांच निकला है, फिर इस तरह से कहना चाहिए एक सिक्स डायमंड बना रहा है वो, जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, वैसी ही वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसा ही बना रहा है। अब देखो, नेक्स्ट इज बाईपेरस लिखा है। बाईपेरस कैसा होगा कि पहले एक ब्रांच निकलेगा, उसकी दो ब्रांच निकलेगी और फिर ये दो ब्रांच की दूसरी और ब्रांच निकलेगी और फिर इस तरह से उनकी दो ब्रांच निकलेगी। मतलब हमेशा दो दो ब्रांच के तरह से, मतलब इसी को कहते हैं बाई, बाई मतलब दो, ठीक है। एक ब्रांच की दो ब्रांच निकली, दो ब्रांच की फिर दो ब्रांच निकली, इस तरह से हर ब्रांच की हर दो ब्रांच दिखाई देगी। फर्स्ट ब्रांच को, यानी फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल जो लिए थे उसे हम स्कॉर्पोइड कहते हैं, नेक्स्ट को हेलिकॉइड कहते हैं और थर्ड को बाइपेरस कहते हैं। बाइपेरस समझ में आया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट देखो, नीचे दिखाई दे रहा है इसे, हाँ ये देखो, ये एक सिंपल ब्रांच निकली है। अब उसके एक के बाद एक ब्रांच निकलेगी, जहां से ये फॉर्म हुआ है उसको छोड़ के कुछ दूरी पर दूसरी ब्रांच निकलेगी, फिर इसको छोड़ के दूसरी टाइप ये निकलेगी, फिर उसको छोड़ के दूसरी तरफ ये निकलेगी। इसको कहते हैं रेसिमोस ब्रांचिंग। मतलब कि ये जो पार्ट होता है, ये नोड और इंटर नोड के जरिए ये थोड़ा सा गैपिंग वाला होता है, ठीक है। ये शायद आपने छोटे क्लास में पढ़ी होगी। ये एक ब्रांचिंग हो गई। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला, ये देखो ट्रू एंड स्कॉर्पोइड, स्कॉर्पोइड हेलिकॉइड, इस तरह से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके ही एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। देखो, ब्रांचिंग टू टाइप की होती है, लेटरल ब्रांचिंग है ना, डाई कॉटोमोटस ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कितने टाइप की होती है? लेटरल ब्रांचिंग है ना, डाई कॉटोमोटस। लेटरल का मतलब जैसे कि बीच से हो गया, किसी भी प्लांट के बीच से ब्रांचिंग होती है, ठीक है। और सेकंड है डाइकोटोमेटस, किसी भी ब्रांच के ये डाई, मतलब किसी को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए ये इस तरह से ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग को हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम।
function of stem? फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके नीट में पीएमटी में कभी कभी आ जाता है। फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होना चाहिए? इट बियर्स द वेरियस एरियल स्ट्रक्चर लाइक लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, इट इम्प्लांट्स डिफरेंट एरियल ऑर्गन एंड स्टेम वस्कुलर ऑर्गन कोरिलेटेड विद ईच अदर, स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल फूड मटेरियल्स। क्योंकि स्टेम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वेस्कुलर ऑर्गन की तरह को रिलेटेड विद अदर, एंड स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल फूड मटेरियल्स। स्टेम क्या करता है, कंडक्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू एपेक्स, यंग स्टेम आर ग्रीन एंड टेक पार्ट इन अ फोटोसिंथेसिस। इस तरह से दो चार आप फंक्शन ऑफ स्टेम लिख सकते हो। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के कुछ कुछ डेफिनेशन लिखा है। Dorsiventrally compressed outgrowth of plant which is burn or born on the nodes of the stem or it's a branch and a specialized to perform photosynthesis. तो वो चीज leaf वो चीज होती है जो उसके dorsal ventral से, ventral part किसे कहेंगे और lateral part किसे कहेंगे? Dorsal part इसको बोलेंगे, है ना, और वेंट्रल पार्ट इसे कहेंगे, लैटरल पार्ट इसे कहेंगे। तो डॉर्सल पार्ट जो इसके इस पार्ट से, या कहना चाहिए कि उस ब्रांच के बीच से निकले, उसे कहेंगे लीफ। डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस आउट ग्रोथ ऑफ प्लांट व्हिच इज बॉर्न टू नोड्स टू स्टेम सॉरी ऑफ स्टेम और नो और इट्स ब्रांचेस स्पेशलाइज्ड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है उसे हम लीफ कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर देख रहे हो, ये वाले वो पढ़ लो। पार्ट ऑफ टिपिकल लीफ, लीफ के कुछ टिपिकल पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है टिपिकल फॉलिकल लीफ हैज अ फोर मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड अ लेमिना। लीफ बेस, ठीक है, आप देख लो स्क्रीन पर, देखो लीफ बेस किसको बोलेंगे, लीफ का बेस जहां से लीफ स्टार्ट होती है, पेटियोल ये एंड लेमिना ये, ठीक है। तो इस तरह से बेस से फिर जाना और फिर आखिरी में जो खत्म होता है वो लेमिना, ठीक है। तो ये सब चीज है लीफ बेस एंड हाइपोडियम, टाइप्स ऑफ स्टिपुलस जैसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लीफ बेस होता क्या है, डिफरेंट प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बेस नोन एज स्टिपल्स, विदाउट द स्टिपल्स आर नोन एज एक्सटिपल्स। जैसे किसी का लीफ बेस ना हो तो वो एक्स स्टिपुलेट कहलाएगा। कंटेनिंग द स्टिपल आर नोन एज द स्टिपुलेट, अगर लीव्स कंटेन स्टिपुलेट है मतलब कि वो बेस वाला है तो स्टिपुलेट कहलाएगा। स्टिपुलेट आर यूजुअली ग्रीन, function of stipulate is protect the leaf in the bird when green they synthesize food also. Stipulus ke bhi teen part hote hain, caducous, deciduous and persistent, theek hai, is tarah se teen part hota hai. Types of stipulus, free lateral stipulus, adnate stipulus, is type se kuch types hai. स्टिपुलस के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आप नीचे देखो स्टिपुलस क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टिपुलस क्या है, ठीक है। मतलब किसी भी ब्रांच से पहले जो निकलने वाली छोटी सी बर्डिंग होती है उसे हम स्टिपुलस कहते हैं। ये स्टिपुलस
कई बार बेसल पार्ट से थिक होती है और कई बार सॉफ्ट होती है, मतलब थिन भी होती है। अगर हम स्टिपुलस की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रोथ सिस्टम फैक्टर होता है यहाँ पर का, कि इसके थ्रू ही किसी भी लीफ को फोटोसिंथेसिस और फूड मटेरियल प्रोवाइड होता है। देख लो अलग अलग टाइप के स्टिपुलस होते हैं, इन सब को आप एक बार रीड करो, पढ़ो, और इसी स्टिपुलस की वजह से फ्रूट भी बनते हैं। फ्रूट की जो बडिंग होती है वो भी इसकी वजह से होती है। कई कई चीजों के स्टिपुलस अलग अलग है, जैसे बबूल देखो स्पाइनी है, ये वाले स्पाइनी मिमोसा, इंटरपेट्रियोलर इंटरपेट्रियोलर गार्डनिया, फोलियसिस पिया, फोलियसिस पिया मतलब इस तरह से, ये पिया देखो इसका स्टिपल कहाँ पर दिख रहा है आपको, नीचे ये वाला पार्ट, ये ठीक है। अब इस तरह से दो तीन है इसके स्टिपल्स आप देख सकते हैं, बस एक बार रीड कर लेंगे। फंक्शन ऑफ पेट्रियोल, फंक्शन ऑफ पेट्रियोल क्या होता है ये देखो नीचे है। फंक्शन ऑफ पेट्रियोल एब्जॉर्ब वाटर एंड अ सॉल्युबल मिनरल गो टू लैमिना फ्रॉम द स्टेम थॉट पेट्रियोल पेट्रियोल रेजेस द लीव्स हाई टू गेट मोर एंड मोर लाइट एंड एयर। इन ऑस्ट्रेलियन एस्टेरिया पेट्रियोल मॉडिफाइड इनटू लीव लाइक द फेलियोट स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव। पेट्रियोल किसको बोलते हैं रिया, आपको पता है, किसी को मालूम है पेट्रियोल किसे कहेंगे? जल्दी बताओ, पढ़ तो रहे हो जल्दी जल्दी। चले ठीक है, तो पेट्रियोल किसी भी लीफ के कहां से स्टार्ट होता है बताइए। उसके मिडिल पोर्शन से। देखो अगर हम पेट्रियोल की बात करें तो पेट्रियोल और लैमिना ये पार्ट होते हैं उस लीफ के, ठीक है। अगर पेट्रियोल को हम बात करते हैं तो पार्ट, अगर पेट्रियोल है, पेट्रियोल का मिडिल पार्ट है ना, वो ज्यादा ग्रो होता है लैमिना के, लैमिना से ज्यादा ग्रो होता है, क्योंकि इस पार्ट में क्या होता है कि जब कोई भी फूड स्टोरेज या कोई भी लीफ का पार्ट या फूड मटेरियल जैसे जाइलम फ्लोएम के थ्रू ये जाएगा, फर्स्टली ये पेट्रियोल को ही क्या करता है, मिनरल प्रोवाइड करेगा। इसके बाद ये ब्रांचिंग जाती है। अब ये ब्रांचिंग जाएगी तभी तो लैमिना को मिलेगी। ठीक है, लीफ ब्लेड और लैमिना और एपिपोडियम। नीचे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ब्लेड दिख रहे हैं, देखो लीफ ब्लेड इस तरह से कुछ लीफ ब्लेड दिख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है। जहां तक मुझे पता है ये वाली तो ग्रास होगी, ये वाली हो सकती है
टर्मरिक की हो, ये वाली इसकी है आई थिंक पनीर वगैरह की होगी, ये वाली तो कटहल की है, ये और ये, इनमें से जो ये वाली है ये नहीं पता मुझे, बट ये भी काफी हद तक अरबी और जो शोपेड़ होता है उसकी हो सकती है। इसमें से एक जो है वो टीक है, क्योंकि शीशम ऐसा नहीं होता। शीशम का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, शीशम इस टाइप के स्ट्रक्चर में आती है। बाकी ये सभी शो पेड़ में आते हैं, जैसे जब हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं ना तो शो पेड़ लगाते हैं, उनमें से सभी सारे शो पेड़ हैं। तो आप देख लो अलग अलग जो लीव्स हैं उन सभी की लीव ब्लेड है, कोई एक्यूकुलर है, कोई लीनियर है, कोई ल्यूनेट है, कोई ऑब्लोंग है, कोई ओवेट है, कोई कॉर्डेट है, किसी का साइज बड़ा है बीच में से पेटियोल का, तो कोई लास्ट में लेमिनी का कोई साइज बड़ा है। जैसे आप कटहल का देखिए, कटहल का जो जो लीव होता है वो पूरा एक साइज में आगे बढ़ता है, इसका लेमिना भी उतना ही साइज का होगा जितना पेटियोल का होगा। और देखते जाओ कि इस तरह से सारे जो लीव्स दिख रहे हैं आपको बिल्कुल अलग अलग डायवर्शन के हैं, है ना? एक बार आप देख कर देना। लीफ मर्जिया, लीफ मार्जिन, क्या होता है लीफ मार्जिन? क्या होता है लीफ मार्जिन? लीफ मार्जिन इज अ स्मूथ स्ट्रेट एंड अ कॉलोट्रोपस जैक फ्रूट बनाना रिपेंड द शेलो डीप अनड्यूलेशन पॉलीएंथिया टीथ राउंडेड। देखो मैं आपको अभी देने वाली हूँ हर्बेरियम, ठीक है? तो आप लोग इसी के जरिए उस लीफ को पहचान सकते हो। लीफ का स्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है, आप लीफ के जरिए ही उस प्लांट को पहचान सकते हैं। अगर मैं कहूँ पपाया तो आप उसके लीफ को कैसे पहचानोगे? पपाया की लीफ बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैंगो की लीफ अलग होती है, तुलसी की लीफ अलग होती है, नीम की लीफ अलग होती है। लीफ ही उसका बेसिक पार्ट होता है किसी भी प्लांट को पहचानने का, ठीक है? मान लो कि आप उस जगह पर जाओ और लीफ पूरी झड़ चुकी है, तो क्या आप उस प्लांट को पहचान पाओगे? विदाउट लीफ क्या उस प्लांट को पहचान पाओगे आप, बताओ? नहीं नो मैम, नो मैम, पता। हाँ, नो मैम, पर क्योंकि लीफ ही उसकी पहचान है, वही वो उसकी आइडेंटिटी है। लीफ अगर हट गई तो वो पेड़ बाकी पेड़ जैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। हाँ, उसका ये बोल सकते हो आप कि उसकी फुल बॉडी जो है वो कलर शो कर रही है, तो हम एक तरह से उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है जो सूख चुकी है ब्रांचिंग वो किस टाइप की है, जैसे कि उसका हर्ब है, शर्ब है, या लेंथ है, हाइट है, उससे हम पहचान सकते हैं। बट लीफ लीफ की वजह से ही हम किसी प्लांट को पहचान सकते हैं। लीफ ही सबसे मार्जिन होता है, लीफ ही उसका आइडेंटिटी होता है, ये चीज है। तो लीफ मार्जिन इज स्मूथ स्ट्रेंग कॉलोट्रोपस जैकफ्रूट बनाना एंटायर एंड अनड्यूलेट एंड क्रीनेट, हाँ क्रीनेट टीथ राउंडेड। तो कुछ लीफ के जो साइजेस हैं वो आपको दिख रहे होंगे, कुछ घास दिख रहे होंगे, कुछ शो पेड़ दिख रहे होंगे, जैसे ब्रोकली है। ब्रोकली एक तरह की लीफ नहीं है, बट ब्रोकली एक तरह का फ्रूट है, ठीक है? उसकी लीफ अलग होती है, बट वो पूरी लीफ की तरह दिखाई देती है। और कुछ शो पेड़ दिख रहे हैं आपको, नीचे देख लो लीफ मार्जिन में, अनड्यूलेटेड, क्रीनेट, सरनेट, सेरुलेट, डेसेरेट, डीनेट, डेनिकुलेट, इनसिजनेट, लैक्टिनेट, लैंसिनेट, लोबलेट, क्लेफ्टेट, थ्रेटेट, पिनेटिफाइड, पेक्टिनेट, टेलमेट, टीडेट, क्रिस्पेट, क्लाइनेट एंड आइस्पाइनस। इस टाइप से सारे जो आपको लीव दिख रहे हैं उनकी कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो दिखते कैसे हैं, कौन कौन से फ्रूट उसमें होते हैं, अलग अलग फ्रूट के अलग अलग लीव्स हैं। कई बार हमको तो समझ में नहीं आता कि लीफ एक जैसा होता है, बट हर प्लांट की जो लीफ होती है
स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बट वो दिखती अलग, कलर अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, यही चीज है। रिवीजन में इसको पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है? यस मैम। हाँ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब सिंपल एंड कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हुआ? सिंपल एंड कंपाउंड लीफ का मतलब ऐसा होगा कि कुछ लीफ होती है जो एक सिंगल बेस पर रहती है किसी भी ब्रांच के अंदर, और ब्रांच किसी भी ब्रांच के अंदर। तो कुछ लीफ ऐसी होती हैं कि एक ब्रांच में बहुत सारी लीफ होती है, जैसे कि आपको नीम दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये नीम। तो नीम की आप देखो डंगाली को या उस ब्रांच को, तो उसमें कई सारे ब्रांचिंग होती है, लेकिन होती ये एक ब्रांच के अंदर है, पर लीफ बहुत सारी होगी, है ना? यही सारे जो लीफ होते हैं उसे कहते हैं हम कंपाउंड लीफ। और एक सिंपल लीफ होगी, एक ब्रांच के अंदर एक लीफ होगी, तो उसको हम कहेंगे सिंपल लीफ। बस यही चीज है। तो उसके भी कुछ कुछ है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको भी पढ़ा सकती हूँ मैं। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Simple leaf, in this type of incision and a lamina does not occur. The incision of lamina, the reaches up to midrib or petiole, and this is following two types, pinnate simple leaf and palmate simple leaf. दो टाइप की होती है simple leaf, एक होती है pinnate, एक होती है palmate. ठीक है? Pinnate कौन सी होगी? Direction incision toward the midrib, and the leaf is known as pinnate simple leaf on the basis of incision of lamina, and a pinnate simple leaf is following types. Pinnate leaf क्या होगी? कि pinnate leaf जो होगी वो direction में कैसी होती है? देखो, देखो ए, देखो ये वाला first वाला, देखो ये इस तरह की जो जो ब्रांच होती है वो कैसे दिखेगी आपको? एक लीफ दिख रही है, उसके इस तरह से पार्ट दिख रहा है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो ब्रांच के ऊपर तरफ दिखता है ना, इस तरह से दिखता है। तो कुछ लीफ ऐसे भी दिखती है, ऐसे टाइप की होती है, ठीक है? तो इस तरह से इनकी ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट देखो, पिनेट पैराटाइट एंड लैमिना इंसिजन विच मे रीच मोर देन हाफ। हाफ मतलब हाफ पोर्शन तो उसका होगा डायरेक्शन, और हाफ पोर्शन अलग होगा। तो कैसे दिखेगा वो? पिनेक्टिसेट, पिनेक्टिसेट देखो, मैरीगोल्ड, आपको गेंदा दिख रहा है, वो गेंदा था, बट नीम का भी सेम ऐसे होता है ना। पिनेक्टिसेट जो होगा ये इस तरह से दिखाई दे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पेज नंबर 230। ठीक है? यस मैम। वेनेशन ऑफ लीव भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।